अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कौन है यहाँ? संजीव, देखो संजीव, हम जानते कि तुम, और हम ये भी अच्छे से जानते कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम उस बेवकूफ लड़की की वकालत करने आए हो। देखो संजीव, हम कहते थे कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हम बोलते तुमसे। कौन है? हम पूछ रहे कौन है? जज को। हम हैं जज को। केस नंबर 001। ये है चंदेल भवन की अदालत, और आप पे मुकदमा है राजीव बाबू। धारा 51 फैक्ट्री एक्ट 1948 का उल्लंघन किया है आपने। क्या नौटंकी है ये सब? आदरणीय जज को हुए हम, और ये सत्य की अदालत है। अदालत, जज, पहले तो हमको ये बताओ कि तू रूम से बाहर कैसे निकली? क्या अजीब लड़की है ये। अभी अभी एक हरकत की ना तुमने, और अभी ये दूसरी हरकत शुरू। ये लकड़ी की मुंगरी कहां से लाई? साइलेंस। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। ऑब्जेक्शन। साइलेंस। ओवररूल्ड। ये कोर्ट है राजीव देवनायन चंदेल, आप पे मुकदमा है राजीव देवनायन चंदेल। ये अदालत इस कानून की धारा 51 और 54 से अवगत कराना चाहती है। इसके तहत आप किसी श्रमिक और मजदूर से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा और 9 घंटे प्रतिदिन, इससे ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते, और जब ये अवधि पूर्ण हो जाए इसके पश्चात आप हुकुम अर्थात आर्डर नहीं दे सकते। बस बस बस। हाँ, और ये कानून की भाषा तुमको कौन सिखा रहा है? अरे कौन सिखा रहा है इस बेवकूफ को ये सब? साइलेंस। राजीव देवनायन चंदेल, कोर्ट में अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने से आपको कोर्ट सजा भी दे सकती है। हो गया, चलो उठो अभी और जाओ यहाँ से। अभी शाम का ना 6:15 हो गया है, और हमारा 9 घंटे का जो काम है ना वो पूर्ण हो गया, तो अब आप हमको ना हुकुम जारी नहीं कर सकते। हम दासी कुहू, इस अदालत से, इस जज साहिबा से ये दरखास्त है। अभी तुमको हुकुम नहीं दे सकते हम, लेकिन अभी अभी तो जज थी ना, दासी कब हो गई? हम इस केस में दासी कुहू भी है, और मामले में जज साहिबा भी, और आप राजीव देवनायन चंदेल, आपको हम ये बता दे कि हमारे देश में कानून है। हाँ, हमारे देश में कानून है, और वो हर इंसान के लिए है, वो चाहे नौकर हो या दासी, सबके अधिकार हैं। फैक्ट्री एक्ट। बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकर बकर, अब हम चलते हैं। हाँ, अदालत से भागने की कोशिश मत कीजिए राजीव देवनायन चंदेल। भारत का कानून ये भी कहता है कि आप किसी भी श्रमिक या किसी भी व्यक्ति को खतरनाक और स्वास्थ्य से हानिकारक माहौल में काम नहीं करवा सकते, समझे? और जज साहिबा, इन्होंने हमको उस कमरे में बंद कर दिया जहाँ कुछ ही समय पहले आग लगी थी। खुद तुम्हारी वजह से। ये गैर कानूनी है और ये अपराध है। और जो बिना इजाजत के हमारे हमारे कमरे में घुस गई तुम, और हमारी अतीत की स्मृतियों को जलाकर खाक कर दिया, वो क्या था? बदनीयत या अपराध? हमको माफ कर दीजिए, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन अपना बात कहने का तो मौका मिलना चाहिए ना हमको, अपना पक्ष रखने का तो मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, बको। जज को हुए हम। ओके, बोलिए जज साहिबा। नहीं, अभी तासी को बोलेगी।
हम गए थे आपके कमरे में, लेकिन आपकी खुशियों को ढूंढने गए थे। आपके अतीत में आप कैसे थे, कौन सा बात आपको खुश करता था, कब हंसते थे, कब मुस्कुराते थे, किस बात से आपको खुशी होती थी, किस बात से आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो सब देखने गए थे। और मिला हमको आपकी माँ के गोद में, उनकी बाहों में झूलते हैं आप, आपके स्कूल कॉलेज में इतना जीता हुआ इनाम सब देखे हम, आपने दोस्तों के साथ हंसी मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, संजीव बाबू के साथ मस्ती, और वो लीडर दोस्तों के कंधे पे बैठे हुए आप, जिंदाबाद राजीव बाबू, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब देखे हम वो तस्वीरों में, और वो आपका पसंदीदा गीत, वो इतना बड़ा बड़ा प्लेट जैसा था रिकॉर्डर, अब फिर क्या किया फिर तुमने? हमारी उन यादों को, हमारे अतीत को जला दिया, जलाकर खाक कर दिया है ना? नहीं, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, आप ही सोचिए हम काय करेंगे, ऐसा नहीं किए, हम आपको इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, आपसे इतना प्यार। आपकी खुशियों को, आपकी यादों को हम काय चलाएंगे, आप ही सोचिए राजू बाबू, काय चलाएंगे हम? मान लिया नहीं किया तुमने, किसने किया फिर? हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि आग कैसे लगा, कैसे हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम राजू बाबू, लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि जो होता है ना वो भोले बाबा की मर्जी होती है, और भोले बाबा ना कुछ भी गलत नहीं कर सकते, सब सही करते भोले बाबा। अच्छा अच्छा, मतलब हमको रुलाकर तुम्हारे भोले बाबा ने अच्छा किया, ये कहना चाहती हो तुम? वाह, अगर ये सही है तो कहां गया न्याय तुम्हारे भोले भगवान का, बोलो। राजीव देव नारायण चंदेल, आपको अपने अतीत को भुलाना होगा और नए तरीके से अपने वर्तमान और भविष्य को जीना होगा। सृष्टि का जन्म होता है, लाखों वर्षों बाद खत्म होता है, फिर से जन्म होता है। जब सृष्टि जन्म लेती है, खत्म हो जाती है, फिर से उठती है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मैंने फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? ए लड़की, हम हमारे अतीत के बारे में बात करना, वो भी तुम्हारे साथ, जरूरी नहीं समझते। आर्डर, आर्डर। तुम जरूरी है, इस कोर्ट में बताना जरूरी है, काहे कि ये अदालत जज कुहू का है। कमरे में आग लगना ही भोले बाबा का इशारा है। अतीत को भूलकर आज की खुशियों को देखो, आज का इनाम, आज की जीत, आज का गीत, इसको देखो। क्या है आज का जीत गीत और इनाम, बोलो। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना आपकी जीत, और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन के से सो जाना, ये आज के गीत। अरे जब हम इन सब में मानते ही नहीं है तो तुम्हारी बात क्यों माने हम, बोलो। जीत की, इनाम, नौटंकी। ये है ईश्वर का प्रमाण,
प्रतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है और ये है ईश्वर। अरे हटाओ ये सब हमारे सामने से। नहीं मानते हम इन चीजों में और नहीं मानते किसी भगवान में। तुम जाओ यहां से, जाओ अपने उस पत्थर के देवता के पास, वहां करो दलीलें, वहां करो अपनी बहस, और देखना वो बुक खड़ा वहां देखता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि पत्थर कभी बोलते नहीं है। तो उसे नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।